यहाँ हर व्यक्ति काल में जकड़ा है, यहाँ हर व्यक्ति समय के पहिए, समय के चक्र में जकड़ा है। उसको आज़ादी कहाँ मिलती है, उसको बंधन से मुक्ति कहाँ मिलती है? जब वो भगवत शरण में होता है, जब वो भगवान के सत्संग में बैठा होता है, वही वो क्षण होते हैं, वही वो समय होता है जब वो जीव संसार के इस काल चक्र से, संसार के इस भव बंधन से थोड़ी समय के लिए मुक्त हो जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सत्संग में लाभ क्या होता है। सत्संग में सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को आप खुल करके व्यक्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपको किसी प्रकार का बंधन नहीं है, सामाजिक बंधन नहीं है। यहाँ आपका भाव कभी हृदय में जागृत हो गया तो आप रो भी लेते हैं, आप हंस भी लेते हैं, आपका मन किया आप नाच भी लेते हैं। संसार में ये बंधन होते, संसार में आप ज़्यादा हंसते हो तो आसपास वाले लोग कहते नहीं नहीं ज़्यादा मत हंसो, ये सभ्यता नहीं है, ज़्यादा रो मत। संसार में भावनाओं को व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि समाज के अपने एक बंधन है, समाज की अपनी एक सभ्यता है। लेकिन यहाँ 3 घंटे आप अपने भावनाओं को पूर्ण रूपेण व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ भावनाएं बाहर निकल आती, अगर आप दुखी भी हैं तो आपके आँखों से या तो आपके संसारिक आंसू निकल आएंगे, और आप अगर प्रेम भक्ति में बढ़े तो आपको भगवत संबंधी अश्रु बाहर आ जाएंगे। तो चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। तो वक्त, संसार को समुद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि काल में सब फंसे हैं, जन्म रूपी किनारा पता है लेकिन मृत्यु का जो दूसरा तट है वो दिखाई नहीं देता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।